साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहेब देश के एक ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि आज पूरा देश बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मना रहा है। उन्होंने भारत की आबादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। बाबा साहेब ने हमेशा से कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए काम किया है। वहीं आज 131वीं जयंती बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मनाई जा रही है, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसी कड़ी में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण भी करेंगे। वही बाबा साहेब देश के कैसे शख्स हैं जिन्होंने शोषित वंचित और पिछड़ों की हक के लिए लड़ाई लड़ी है। तमाम तरह की लड़ाइयां उन्होंने लड़ी है, संविधान की लड़ाइयां लड़ी है, हक के अधिकार की लड़ाइयां लड़ी है। आज उनकी 131वीं जयंती पर धूमधाम से हर कोई उनकी जयंती को मना रहा है, चाहे वो पार्टी सत्ताधारी नेता हो, विपक्षी नेता हो, कोई भी हो, बड़ी धूमधाम से आज ये जयंती मनाई जा रही है। कई कार्यक्रम लखनऊ में भी होने हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज बाबा साहेब अंबेडकर की 131वीं जयंती है, किस तरह से आज इसको मनाया जा रहा है लखनऊ में? जी, पिछला आपको बता दें कि देश के संविधान के निर्माता बी आर अम्बेडकर की, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाता है, और उनकी पूरी नाम की बात की जाए तो भीमराव रामजी अम्बेडकर के जो संविधान रचयिता हैं, इनके जन्म दिवस को आज 31वीं उनकी जयंती है। इसको जन्म दिवस को पूरे देश भर में हर एक कोने में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। वही आपको बता दें सिखा कि लखनऊ में आज सूबे के मुख्यमंत्री आज जीपीओ स्थित अंबेडकर प्रतिमा पे उन्हें माल्यार्पण करेंगे ठीक 11 बजे। वहीं साथ ही साथ आज देश के प्रधानमंत्री संसद भवन में बाबा साहब की जो प्रतिमा है उस पे वो पुष्प अर्पित करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति की बात की जाए तो देश के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में बने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि त्रिशला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आजादी के जो सिपाहियों में से प्रथम पंक्ति में से पहले सिपाही थे। वहीं अगर बात की जाए तो अंग्रेजों से कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने की बात हो या दलित वंचित ग्रसित लोगों की हितों की बात की जाए, चाहे जब देश आजाद हुआ तो एक जाति प्रथा का अंत करने में कहीं ना कहीं बाबा साहब का एक बड़ा योगदान रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो संविधान देखकर एक सब जन के हाथ में एक ताकत देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हर एक वर्ग के लिए लड़ते थे, साथ ही साथ पिछड़े जाति जनजाति के लिए वो आगे हमेशा आया करते थे। वही आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी वकालत की पढ़ाई कर विदेश गए और उसके बाद देश की आजादी के प्रथम पंक्ति के सिपाही रहे और देश के पहले कानून मंत्री रहे। और पिछला उनकी शिक्षा के प्रति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक अलग ही रुझान रहा है। उनके द्वारा कहा गया था शिक्षा एक ऐसी दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और उन्होंने शिक्षा को सेवनी के दूध से तुलना किया था। तो साफ तौर पे अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल से एक सामान्य परिवार से आने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तमाम स्ट्रगल को झेलने के बाद, और ऐसी जाति प्रथा जब उनका समय हुआ करता था, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। उस समय अगर बात की जाए तो अंग्रेजी हुकूमत थी, और अगर बात की जाए तो जाति समानता की तो वो हालत नहीं थी जो संविधान उनके द्वारा देने के बाद आज है। तो बाबा साहब ने बड़े ही पढ़ने में मेधावी थे और पढ़ लिख कर वो बैरिस्टर बने और विदेश जाकर अपनी प्रैक्टिस की और देश की आजादी के लिए प्रथम पंक्ति में वो सेनानी बने और जिसके बाद देश के प्रथम कानून मंत्री बने। और वही अगर बात की जाए तो बाबा साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता भी थे, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अध्यक्ष भी थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश की आजादी में और देश के संविधान में और जाति प्रथा के अंत में और सबको एक ताकत देने में
अगर बात की जाए तो फंडामेंटल राइट पांच दिए जाते हैं हर एक इंसान को, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, राइट टू रिजेक्ट, तमाम ऐसे पांच फंडामेंटल मौतिक। विभांशु, आज बाबा साहेब अंबेडकर की 131वीं जयंती है। बाबा साहेब अंबेडकर शिक्षा को लेकर हमेशा तत्पर रहे हैं, एक ही उनका मोटिव रहा है कि शिक्षित बनाया जा सके, हिंदुस्तान शिक्षित हो, हिंदुस्तान पढ़ा लिखा हो। संविधान का उन्हें खासा ज्ञान था, संविधान की कई लड़ाइयां भी उन्होंने लड़ी है। ऐसे में अगर आज बात उत्तर प्रदेश की शिक्षा की जाए विभांशु, तो जिस तरह से शिक्षा के हालात कोरोना के बाद बिगड़े हैं, आज उनकी जयंती है इसलिए डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिक्षा के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां भी लड़ी हैं, तो जिस तरह से आज के दिन में कोरोना के बाद से बच्चों की शिक्षा को लेकर खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हम लोग लगातार कवरेज भी करते हैं विभांशु, हम देखते हैं कि कई स्कूलों की हालत बदतर पड़े हुए हैं। स्पेशली अगर बात की जाए गांव के इलाकों की, तो स्कूल और विद्यालयों में तमाम योजनाएं देने के बाद भी जिस तरह से बद से भी बदतर हालत स्कूलों के बने हुए हैं, तो ऐसे में किस तरह से हम जो सपने थे बाबा साहेब के, क्या हम अचीव कर पाएंगे, क्या हम हर बच्चे को शिक्षित कर पाएंगे विभांशु? क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की, युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, और जब वो शिक्षित होगा तभी देश का विकास होगा विभांशु। पिछला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि शिक्षा वो सेवनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और वही आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहा जाता था शिक्षित बनो संगठित रहो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबा साहब का सपना था कि पूरे देश के हर एक नागरिक शिक्षित रहे, साथ ही साथ दलित वंचित ग्रसित और जो मार्जिलाइज सोसाइटी के अंदर से आने वाले लोग हैं वो भी समानता के साथ, हर जो आम इंसान है उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। वही अगर आपकी सवाल पे आए तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा स्तर पे बात किया जाए तो तत्कालीन सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। वही अगर बात की जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हर एक भरसक प्रयास किया जाए, चाहे बात की जाए उच्च शिक्षा, चाहे बात की जाए आपके माध्यमिक शिक्षा, चाहे बात की जाए बेसिक शिक्षा। तो अगर देखें तो बेसिक शिक्षा का हालत कहीं लचर है। वही अगर बात करें दूर दराज ग्रामीण इलाकों में तो कहीं ना कहीं बच्चों की संख्या कम है, साथ ही साथ स्कूलों में एक कक्षाओं को, तीन कक्षाओं को एक अध्यापक पूरे स्कूल को चला रहा है। बात की जाए तो बेसिक शिक्षा में कुल मिलाकर नर्सरी से और पांचवी तक की क्लास मिलाकर सात क्लासें चलती हैं। सात क्लासों को अगर बात किया जाए तो दो से तीन अध्यापक और शिक्षा मित्रों के द्वारा क्लासें चल रही हैं, और सरकार भी जानती है और बात की जाए तो जनता के लिए जगजाहिर है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जो समानता और शिक्षित रहे संगठित रहे जो बाबा साहब के विचार थे उस पर कहीं ना कहीं हमें काम करना चाहिए, और शिक्षा के प्रति सरकारों को आंख खोलकर और सभी को शिक्षित बनाने में एक कदम रखना चाहिए। जी, क्योंकि विभांशु आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर जो अम्बेडकर पार्क के बाहर कई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं, कई तरह की संविधान के भी नॉलेज दिए जाएंगे और खाने पीने के भी इंतजाम किए गए हैं, काफी दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे, बड़ा ही उत्साहित होकर आते हैं, तो किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? जी तुसला, आपको बता दें कि आज देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी क्रम में लखनऊ के अंबेडकर पार्क की बात की जाए, चाहे जीपीओ स्थित बाबा साहब की प्रतिमा जहां स्थापित है उसकी बात की जाए, तो ऐसे अनेक जगहों पर बाबा साहब के आज याद में मार्च निकाले जा रहे हैं, आयोजन किए गए हैं, साथ ही साथ ऐसे कई सारे कार्यक्रम किए गए हैं। तो शहर की अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से हर एक चौराहे और हर एक जगह पे मॉनिटराइज की जा रही है, साथ ही साथ पैदल पेट्रोलिंग से लेकर और डायल 100 की गाड़ियां सड़कों पे हैं, और हर एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कहीं अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। वहीं अगर बात की जाए तो आज लखनऊ में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है, चाहे बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को, चाहे बात की जाए समाजवादी पार्टी को, चाहे बात की जाए बसपा को, चाहे बात की जाए कांग्रेस को, तो जो प्रमुख पार्टियां हैं या छोटे क्षेत्रीय दल है, सभी के तरफ से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। विभांशु, हर कोई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को खासा महत्व देता है और आज इनकी जयंती है, कई तरह के तमाम तरह के जो योजनाएं हैं, तमाम तरह की चीजें, उससे अवेयर भी कराया जाएगा, बिल्कुल उस पर नजर बनाए रखे, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग आज लखनऊ भी पहुंचे हुए हैं बाबा साहेब की जयंती को मनाने के लिए।
यूपी में गर्मी से परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि इस दौरान लोगों को हीट वेव और लू की मार झेलनी पड़ेगी। यूपी में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने फिलहाल यूपी में बारिश की कोई भी संभावना अभी तक नहीं जताई है। दूसरी तरफ यूपी के अलग अलग शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा से या बहुत खराब श्रेणी में है, तो वहीं लोगों को काफी धूप झेलना पड़ रहा है, हीट वेव का भी सामना करना पड़ रहा है। अभी अप्रैल ही है और अप्रैल में इस तरह की जून, कहा जाता है कि जून जुलाई जैसी गर्मी जो है वो अप्रैल में पड़ रही है, लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हीट वेव की मार लोग झेल रहे, लू के प्रकोप से लोग परेशान है। ऐसे में लोग तमाम तरह के उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बढ़ गर्मी कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतें बढ़ा रही हैं। लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की जो भीषण मार है, जो भीषण प्रकोप है गर्मी का, वो लोगों के ऊपर हावी हो रहा है। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो तेज लू चल रहा है, लू के प्रकोप में भी लोग आ रहे हैं। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जून में जून जैसी जो गर्मियां है वो भी अप्रैल में ही पड़नी शुरू हो गई है। लोगों का गर्मी से बुरा हाल है और बारिश के अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में खासा चिंता भी है क्योंकि भीषण गर्मी की मार को लोग झेल रहे हैं। सबकी उम्मीदें बारिश पर है कि बारिश हो तो थोड़ी गर्मी कम हो। यूपी में गर्मी का जो तेवर है वो तेज हो चुका है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हीट वेव के भी आसार नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ कई जगहों पर भीषण गर्मी के चलते आग लगने की भी खबर भी सामने आ रही है। वही संवाददाता हिमांशु गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को गर्मी की वजह से करना पड़ रहा है? जी त्रिशला, बता दें कि अभी सुबह का वक्त है और अप्रैल का शुरुआती दौर ही चल रहा है, लेकिन गर्मी का आंकड़ा यह है कि 40 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जा रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग निकल रहे हैं तो उनको गमछों का प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन उससे भी उनको राहत नहीं मिल रही क्योंकि मई जून की जिस तरह तपती हुई गर्मी पड़ती है, उस तरह की गर्मी इस समय पड़ रही है जिसका कोई आसार नहीं लगाया गया। तो हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि साफ साफ कि गर्मी जो है बढ़ेगा ही, टेम्परेचर बढ़ेगा ही। पारू में अभी कम से कम 3 से 4 डिग्री का इजाफा हो सकता है अप्रैल माह में ही। अभी ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हवा जो है काफी गर्म चल रही है, जिससे लू लगने से लोगों की बीमार हो रहे हैं और साथ ही साथ खेतों में आग लग जा रही है, क्योंकि लोग खेतों में हल्का सा शॉर्ट सर्किट भी जो है, चिंगारी भी आग का काम कर रही है। और क्योंकि किसान इस समय जो है फसल काट रहे हैं, फसल काटने का समय है इस समय, क्योंकि तो उसमें भी आग लगने का बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, गेहूं की कटाई इस वक्त चल रही है, तमाम किसान अपनी अपनी गेहूं की कटाई कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों तक और वो चलेगी, अभी शुरू ही हुई है। ऐसे में किस तरह का सामना और किस तरह की दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बहुत सारी खबरें आग लगने की सामने आ रही है। पराली किसान अपने जलाते ही, ऐसे में बहुत जगह से तेज धूप की वजह से, तपती गर्मी की वजह से जो आग लगने की खबरें वो भी सामने आ रही है। किसानों को किस तरह की दिक्कतों का सामना अपने खेतों में करना पड़ रहा है कटाई के दौरान? देखिए, धूप में कटाई करना एक तो खुद अपने में बहुत बड़ी बात है, उसके बाद किसान जो है आजकल पराली कुछ किसान जला देते हैं। हालांकि इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से रोक है, जिलाधिकारियों का कहना है कि कोई भी पराली नहीं जलाएगा, लेकिन चूंकि हल्का सा भी गर्म में इतनी गर्मी इस समय पड़ रही है कि टेम्परेचर हाई रह रहा है कि जो भी चिंगारी भी है हवा के जरिए पहुंच जाती है तो परालियों में दूसरों के खेतों में आग लग जाती है। ऐसे में गरीब किसानों को काफी नुकसान करने का सामना करना पड़ता है और काफी उनको नुकसान होता है, लेकिन इसकी भरपाई के लिए चूंकि दमकल गांव में शहर से दूरी होती है तो ब्लॉक स्तर पर रखे जाते हैं, लेकिन वो छोटी गाड़ियां होती हैं जो तालाब से खींच करके ही पानी से आग बुझा सकती हैं, तो ऐसे में दूरी पड़ जाने के कारण भी उनको समय लगता है और काफी नुकसान हो जाता है खेतों का। वही अगर बात किया जाए गोरखपुर शहर की, तो रोडों पर पानी के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की व्यवस्था जनता के लिए किए गए हैं, क्योंकि जो मजदूर हैं, जो और छोटे लोग हैं, वो लोग निकलते हैं, उनकी मजबूरी, उन्हें काम करना है, रिक्शा चालक हो गए, तो उनके लिए किस तरह पानी के इंतजाम शहरों में किस तरह से किए गए, क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है?
त्रिशला, इस मामले में तो इस बता दें कि प्रशासन निशंकुत बना हुआ है और साइड सी बात है कि इतनी गर्मी में, तपती हुई गर्मी में लोगों को कहीं ना कहीं पियाऊ की व्यवस्था करनी चाहिए, मटके रखने चाहिए ताकि शीतल जल का लोग प्रयोग कर सके, लेकिन शीतल जल का और पियो का कहीं प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ तक कि नगर निगम के जो टैंकर खड़े किए जाते थे वो भी खड़े नहीं दिख रहे हैं कहीं भी चौराहों पे, आप बात कर ले रास्तों में। और इससे क्या है, लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनको आश्रित होना पड़ रहा है कहीं पानी खरीद के पीने के लिए। हालांकि गरीब वर्ग इसका जो है, जो रिक्शा चालक है या फिर मजदूर वर्ग है, वो इसका ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि भाई कितना पैसे का वो खरीद सकते हैं, जिसकी कमाई है और उनकी आमदनी ही कम है, तो ऐसे में उनको खासे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस तपती हुई धूप में उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, सरकार एकदम निकुशुक बनी हुई है, प्रशासन की तरफ से कोई भी कहीं भी कोई जिम्मेदार प्याऊ की व्यवस्था नहीं कर रहा है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु। जैसे लगातार भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जनता पर हावी है, तो वही जो गरीब तबके के लोग हैं, रिक्शा चालक हो गए, मजदूर हो गए, जो शहरों में काम के लिए डेली रोजगार के लिए डेली पैसे कमाकर और डेली वो अपना भोजन का जो उपाय है वो करते हैं, उनके लिए खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्याऊ जल जो होते हैं, शीतल जल की जो टैंक्स नगर निगम द्वारा लगाई जाती है, उसकी व्यवस्था ना होने के कारण लोगों को और खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की मार जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त झेल रही है। यूपी में गर्मी का तेवर जो है वो तेजी से आ गया है और अभी हमारे संवाददाता अजय रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, रायबरेली में किसानों को भीषण गर्मी की वजह से क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही है कटाई में, और जो लगातार आग लगने की खबरें आ रही हैं, किसानों की फसलें जल जा रही हैं, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बढ़ती गर्मी की वजह से किसानों को? जी, इसमें कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बिजली विभाग का बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। लगातार क्षेत्र में आग बढ़ती लगते जा रहे हैं, गर्मी जो किसान काट से गेहूँ काट के चले आते हैं या फिर अभी गेहूँ की फसल कटाई चल रही है, कहीं ना कहीं से शॉर्ट सर्किट से ही आग जो है बढ़ता चला जा रहा है, लगती चली जा रही है और लगातार ये कहीं ना कहीं विद्युत की कमियां हैं। अगर बात किया जाए जो पीने के जल का इंतजाम नगर निगम की जो टैंक है उसका क्या कुछ इंतजाम किया गया, क्योंकि जो रिक्शा चालक है, जो गरीब तबके के मजदूर है, जो शहर में डेली आते हैं पैसे कमाने के लिए गांव से चल करके, उनके लिए पानी के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं? जी, तो आपको बता दूं कि जो गरीब तबके होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो इधर से गुजरते हैं रोडों पर, जो लगाना चाहिए पानी की टंकी नगर पंचायत द्वारा, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, जो पहले से भी लगी हुई है वो भी खराब हो चुके हैं, तो इसलिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोग अपनी जेब से ही खर्च लगा के पानी पीते हैं और बात की जाए तो मंडी समिति में ही अंदर जो मंडी समिति मंडी परिसर है उसमें लगा हुआ है, तो पेयजल और भी ठंडे पानी उसमें आते हैं, जो मजदूर वहां जाते हैं अगर उनको पता है कि वहां पर लगा हुआ तो वो पहुंच जाते हैं, वहीं से इनका जो है प्यास बुझती है। और किस तरह की दिक्कतों का सामना रायबरेली की जनता को करना पड़ रहा है बढ़ती गर्मी और धूप की वजह से? आप तो देख 11 बज रहा है, 11 बजने में देख लीजिए किस तरीके से इतनी गर्मी बढ़ चुकी है कि लगातार कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आम जनमानस को ही उठाना पड़ रहा है, और जो हीट वेव चल रहा है उसको लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान है, घरों से निकलना बंद कर दिए हैं, अभी जितना धूप होते चली जाएगी लोग घर से निकलना बंद कर देंगे। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय। तो लगातार कई जगहों पर पेयजल की सुविधा ना करने के कारण भी लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मजदूर और गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए ये अफोर्डेबल नहीं है कि वो पानी खरीद करके और पिए। भीषण लू और बढ़ती गर्मी के कारण आग लगने की खबरें कई जगहों से सामने आ रही हैं, भीषण आग भी लग रही है, लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात किसानों की करें तो खेतों में आग लगने के बाद किसानों के फसल काफी नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि बात अगर खेतों की जाए तो खेतों के आग बुझाने इतना आसान नहीं होता, अगर दमकल की टीम भी मौके पर पहुंचती है तो उन्हें पहले कहीं नदी या नाले या नहर से पानी भर करके तब वो आग बुझाना पड़ता है। ऐसे में लोगों के काफ़ी जो फसल है, किसानों के जो फसल है वो भी जल रहे हैं, इस वक्त जो कटाई का वक्त है वो चल रहा है और ऐसे में खासा दिक्कत कटाई में भी सामने आ रही है। बढ़ती धूप और चलचलाती धूप में लोगों को अपने खेतों की कटाई भी करनी पड़ रही है और बारिश के कोई आसार मौसम विभाग की तरफ से अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं।
वही संवाददाता उपेंद्र कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और किस तरह गर्मी की मार कानपुर की जनता झेल रही है? त्रिशाला, मैं आपको ये बता दूं पहले कि जो कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, पहली बात तो ये कानपुर में जो फैक्ट्री इलाका है उनकी चिमनियों से जो निकलने वाले जो धुएं हैं उसका भी एक टेम्परेचर एक अलग है और देखा है तो नेचर का भी टेम्परेचर अलग है। प्रेजेंट टाइम में हम लोग 11 बजे खड़े हुए हैं। इस टाइम मैं कानपुर के एक ऐसे चौराहे में खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, उस चौराहे पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है और चारों तरफ देखिए कोई आदमी दिखने को तैयार नहीं नजर आ रहा है। जो गिरे चुरे जो भी है नौकरी वाले पेशे लोग हैं वो लगातार जा रहे हैं और कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे आपको। जी उपेंद्र भाई, अगर बात किया जाए तो कई जो गरीब है दूर से कानपुर के आसपास के गांवों से चल करके आते हैं काम के लिए, जो रिक्शा चालक है उनके लिए नगर निगम की तरफ से पीने के जल का क्या कुछ इंतजाम किया गया है? बिल्कुल, आपको कानपुर नगर निगम द्वारा अभी भी किसी प्रकार की कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे पिछले साल किया था व्यवस्था, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में क्या कुछ दिक्कतों का सामना उन गरीब मजदूरों और रिक्शा चालकों को करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं उपेंद्र की वो खरीद करके पानी पिए, वो किसी तरह मजदूरी करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। जी जी, आप बिल्कुल सही बता रही है, जो गरीब आदमी है वो पहली बात तो यहाँ पे इतना वेतन कम है, इतनी महंगाई की मार पड़ती चली आ रही है लोगों को, और उसके बावजूद आप आदमी पानी खरीद के पिए तो ये बहुत गलत शर्मिंदा की बात है सरकार के लिए और जिला प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल उपेंद्र, अगर बात हुआ कि इंडस्ट्रियल एरियाज की जाए तो गर्मी में बट जो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा कानपुर, वहाँ पे धुएं निकलते हैं, फैक्ट्री का काम चलता है, तो इस तरह में जो पॉल्यूशन है वो किस तरह से परेशान कर रहा है? बढ़ती गर्मी के साथ साथ पॉल्यूशन का स्तर जो बढ़ रहा है और प्रशासन इस पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, किस तरह की पहल कर रही है? आप त्रिशाला को पता चले जो पॉल्यूशन है वो दिन पर दिन यहाँ बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ पे जो सरकारों ने एक्चुअली कानपुर जो है और चमड़े के व्यापार में जो है पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में कई जगह अपना स्थान लेता था कानपुर, आज वो चमड़े का जो व्यापार है बिल्कुल विलुप्त होता चला जा रहा है और जो दूसरे इंडस्ट्री एरिया क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं जिनकी चिमनियों से धुआं निकलता है जो आदमी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और आस पास क्षेत्र जो बने हुए हैं उसके जो पानी की पीने की व्यवस्था है वहाँ का पानी जो इतना है उतना खराब हो गया है कि लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ होता जा रहा है वहाँ पे, और जिला प्रशासन जो है वो किसी प्रकार के नजरअंदाज कर जा रहा है उस चीज को। जी बिल्कुल, ये बेहद ही निंदनीय बात है कि जिला प्रशासन भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा और अभी तक कानपुर में पेयजल की कोई सुविधा नहीं की गई है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ती मार लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी है, वहीं एक तरफ प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है जिससे इंडस्ट्रियल एरिया कानपुर में कोई भी ऐसे बड़े कदम पॉल्यूशन को रोकने के लिए नहीं उठाए जा रहे हैं। थोड़ी ही दिनों में और भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, हालांकि खासा दिक्कत उन मजदूरों के लिए है जो दूर दराज से शहरों में आते हैं अपने कार्य के लिए, रिक्शा चालक, गरीब तबके के लोग, क्योंकि उनके ये जो जेब के बाहर है कि वो पानी खरीद करके पिए, ऐसे में प्रशासन को और नगर निगम को कहीं ना कहीं इन गरीब मजदूरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ, धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।